For more gossips, news and videos, download the Nehre app now. संक्रांति गाइस, मैं हूं आपकी जसली मथारू और आज मैं तैयार हुई हूं मकर संक्रांति के लिए। और मैं बताना चाहती हूं सबको कि मैं किस तरह तैयार होती हूं हर साल और आज क्या नया किया है मैंने। इस साल कुछ नया करना है बिकॉज आज मैंने पूरा ये ड्रेस सिलवाया हुआ है और मेरे टेलर ने जिस तरह से ये बनाया हुआ है बहुत ही प्रिटी लग रहा है। आई रियली लव दिस कलर। ये बड़ा ब्लूइश सा टर्कोइश सा ड्रेस है एंड इसके ये थोड़ी सी डिज़ाइन मैंने न्यू सी बनवाई हुई है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड देखते हैं इसके ऊपर ज्वेलरी क्या मैच करते हैं और फिर हम नीचे जाएंगे, हम मेरी सिक्योरिटी सब लोगों से मिलेंगे और सबको तिल के लड्डू खिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी इस तरह के झुमके अगर हो तो इसके साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसमें ब्लू कलर भी है, ग्रीन भी है, तो मैं यही पहनूंगी और आई एम श्योर आप लोगों को भी यही अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर गाइज, जितनी भी लड़कियां ये देख रही हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब आप कुछ वेस्टर्न पहनते हो तो उसके ऊपर आप कोई भी कलर यू नो ईयरिंग पहन सकते हो। कोई भी अगर आपने व्हाइट पहना है तो आप उस पर रेड ईयरिंग्स मैच कर सकते हो। बट एथनिक कुछ पहना है और कोई सूट या कुछ पहना है तो फिर उस पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो बिल्कुल मैच नहीं होगा और वो बहुत ही फनी लगता है। इसलिए मैंने ये जो सूट पहना, अगर ये मेरा ब्लू कलर है, इसमें ग्रीन है, टर्कोइश शेड है, तो फिर मुझे लगता है कि ये यू नो परफेक्टली मैच हो रहे हैं इसके साथ, क्योंकि इसमें भी ब्लू, ग्रीन, नेवी ब्लू सब ब्लूज है। एंड ये मैंने पायल निकाली है तो ये भी बहुत सुंदर है। ये गोल्ड कॉपरिश थोड़ा सा है एंड सिल्वर है तो ये भी पहन लेते हैं। मुझे पायल पहनना, झांझर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस तरह की झांझरें मेरे पास बहुत सारी हैं और मैं हमेशा एक पायल अपने पैरों में पहन के ही रखती हूँ क्योंकि वो छन 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 वो चलने के बाद जो आवाज़ आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बिंदी लगा लेते हैं, मुझे लगता है कि ये बिंदी सही रहेगी या इसके साथ अगर मुझे ब्लू लगाना हो। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी लग रही है, थोड़ी छोटी ट्राई करनी चाहिए। क्या लगता है ये मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे बड़ी बिंदी सूट करती है या नहीं, कि छोटी ही लगाया करूँ। ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। वैसे अभी के लिए फ़िलहाल ये छोटी सी लगा लेते हैं। यस, बाल खोल लिए हैं और ये टोरिंग भी पहनूंगी मैं, जिसे हम कहते हैं बिच्छू या बिछवा, समथिंग कुछ तो कहते हैं, तो टोरिंग ही कहते हैं, तो ये मैं पहन लूँ। ये हो गया। आप पहन लेते हैं कुछ चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ कौन सी इसके साथ मैच होंगी? मुझे लगता है ये ब्लू अच्छी लगेगी। परफेक्ट, यस। बस थोड़ा टचअप कर लूँ फटाक से। इंडियन ड्रेस पे काजल तो बनता है। Yes. Okay, I'm ready. I'll quickly comb my hair. और मुझे लगता है कि इस पे बाल खुले बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ और लेट्स गो, अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा नीचे जाके सबको गुड़ के और तिल के लड्डू बांटते हैं, बहुत मजा आएगा। लेट्स गो, चलो। सो मकर संक्रांति के लिए मैं तैयार हूँ तिल गुड़ लेके और अब हम नीचे जाएंगे। और बहुत से महाराष्ट्रियंस, एक्चुअली मराठी में एक सेइंग है कि जितने लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके नेबर्स या जो भी आपको मिले, उन्हें ये छोटे छोटे तिल के लड्डू होते हैं खिलाइए। और कहा जाता है कि तिल गुड़ खा आणि गोड़ गोड़ बोला, तो इसका मतलब ये है कि तिल गुड़ के लड्डू खाओ और मीठी मीठी बातें बोलो, मीठी मीठी यू नो वाणी यूज़ करो। तो आइए हम अपनी बिल्डिंग में सबको खिलाते हैं, जो हमें मिलेगा हम उन्हें तिल गुड़ के लड्डू बांटेंगे। चलिए लेट्स गो।
कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हो? लड्डू खाओगे? हाँ, पहले बोलो हैप्पी मकर संक्रांति दीदी। हैप्पी मकर संक्रांति दीदी। ओके गुड बॉय, एक या दो? एक। ये लो, गुड बॉय। चलिए लड्डू खाओ, हैप्पी मकर संक्रांति। आइए आगे चलते हैं। इधर आओ, कैसी हो? अच्छी हो, आप कैसे हो दीदी? बिल्कुल ठीक हूँ, बस बहुत अच्छे से किया। थैंक यू, ये लो लड्डू खाओ, हैप्पी मकर संक्रांति। तो इस तरह लड्डू बांट के प्यार बांटा जाता है और बहुत प्यार से खिलाए जाते हैं। तो अरे कैसे हैं आप लोग, आइए मकर संक्रांति आई है, लड्डू खाइए। थैंक यू, ये लीजिए। ये लो आपको बड़ा वाला लड्डू। चलिए, तो ये मेरी सोसाइटी है और डैडी कम कम कम, माय डैड इज हियर। तो डैडी को भी लड्डू खिलाते हैं और आइए मैं आपको मिला भी देती हूँ। तो ये मेरे हैं पापा और मेरे लाडले हैं और मैं इनकी लाडली हूँ और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलो मैं सबको खिला के आती हूँ, ठीक है? सो गाइज, ये है मेरी सोसाइटी और यहाँ मैं रहती हूँ। ये लोखंडवाला में है और मुझे हमेशा से यहाँ रहना पसंद था, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ रहते हुए। हैप्पी मकर संक्रांति, कैसे हो भैया? ये लो लड्डू खाओ। तो मुझे बहुत लोगों को ये पता नहीं कि मुझे झूले पे बैठना बहुत पसंद है बचपन से, और बिग बॉस के घर में जब मैं थी तो वहाँ पे भी दो झूले थे, तो हमेशा उस झूले पे बैठ के मस्ती करती थी। तो आज हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं झूल भी लूँ जब मैं नीचे उतरी हूँ आज। एंड आई थिंक ऐसे अगर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर कभी शाम को या कुछ ऐसे झूल लो थोड़ा सा, तो बहुत खुशी सी होती है। और मुझे अगर कुछ काम नहीं हो और मैं टाइम पास करना हो, जब मुझे कोई म्यूज़िक से रिलेटेड काम नहीं करना है, मैं फ्री टाइम में अपने इस तरह गार्डन में आके अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस और हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। एंड बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए एंड मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि किस तरह मैंने सेलिब्रेट किया, ये आपको मज़ा आया या नहीं आया, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।